दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा पिकअप बेचने वाली कंपनी यानी कि महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा के बहुत सारे पिकअप मॉडल्स आते हैं। महिंद्रा ने यहाँ पर एक नया पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक एक्सल पिकअप। दोस्तों ये जो पिकअप है बहुत ही जबरदस्त पिकअप है और बड़े नए लुक के साथ, बहुत सारे कलर ऑप्शन में, और इसका जो इंजन है, रेंज है, बहुत जबरदस्त है, माइलेज भी बहुत जबरदस्त है। तो वीडियो में पूरी डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ, प्राइस कितना रहेगा, इसके में क्या क्या कलर रहेंगे, इंजन कैसा रहेगा, माइलेज कितना रहेगा, कितना पेलोड रहेगा, कितना ग्रॉस व्हीकल वेट लोड रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आपको यहां पर दो सिलेंडर वाला इंजन लगा के दिया गया है जो कि एक डीजल इंजन है। दोस्तों इसमें आपको 909 सीसी का इंजन यहां पर महिंद्रा ने लगा के दिया है जिसकी जो मैक्सिमम पावर रहेगी लगभग 19.4 किलोवाट की रहेगी। इस इंजन का जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा 55 न्यूटन मीटर का रहेगा। अगर बात करूं इसके ट्रांसमिशन यानी कि गियरबॉक्स के बारे में तो इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स महिंद्रा ने लगा के दिया है जिसमें आपको 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों स्टीयरिंग की बात करूं तो इसमें आपको मैनुअल स्टीयरिंग यहां पर महिंद्रा ने लगा के दिया है। मैनुअल स्टीयरिंग भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, इतना ज़्यादा आरामदायक रहेगा, बहुत ही इजीली ये स्टीयर हो जाएगा। दोस्तों सस्पेंशन की बात करूं तो यहां पर आपको लीप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 8 लीप स्प्रिंग और रियर साइड में आपको 6 लीप स्प्रिंग इस गाड़ी में लगा के दी गई है। दोस्तों लीप स्प्रिंग सस्पेंशन बहुत ज़्यादा मजबूत और हैवी पेलोड के लिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों अगर बात करूं ब्रेक्स की तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसमें महिंद्रा ने लगा के दिए हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसकी लोड बॉडी की डाइमेंशंस में, तो लोड बॉडी की डाइमेंशंस यहां पर बहुत बड़ी रहने वाली है। मैं आपको लोड बॉडी की डायमेंशन यहाँ पर फिट में बताऊंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दर्शक रहते हैं वो लोड बॉडी को की डायमेंशन को फिट में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर महिंद्रा ने बहुत बड़ी लोड बॉडी इसमें आपको लगा के दी है, इतनी बड़ी लोड बॉडी लगा के दी है कि आप इसमें बहुत सारा लोड लेके जा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फीट में इसकी लोड बॉडी कितनी लंबी है। दोस्तों इसमें आपको लगभग 8.3 फीट लंबी लोड बॉडी यहाँ पर लगा के दी गई है। अगर चौड़ाई की बात करूँ तो जैसे इसकी लंबाई मैंने बताया कि 8.3 फीट है, तो चौड़ाई भी यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसमें महिंद्रा ने दी है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर महिंद्रा ने आपको लगभग इसमें जो यहाँ पर चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको लगभग 5 फीट के करीब चौड़ाई इसमें देखने को मिलेगी। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लोड बॉडी यहाँ पर महिंद्रा ने लगा के दी है। दोस्तों इसकी जो लोड बॉडी की डायमेंशंस थी, इसके बाद हम बात करते हैं व्हील बेस की, तो 2540 mm का व्हील बेस इसमें देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें महिंद्रा ने दिया है। दोस्तों सबसे जो यूनिक चीज़ है इसमें है इसका वेट कैपेसिटी। ग्रॉस व्हीकल वेट इसका रहता है 1980 kg लगभग 2 टन के करीब, और पे लोड यहाँ पर रहता है 900 kg लगभग 1 टन के करीब। तो यहाँ पर महिंद्रा ने टाटा एस की टक्कर का यहाँ पर नया जो व्हीकल है इसको लॉन्च किया है, तो ये टाटा एस को सीधे सीधे टक्कर देने वाला है, और कहीं ना कहीं ये अशोक लेलैंड के छोटे हाथी को भी, सॉरी अशोक लेलैंड के जो दोस्त मॉडल है उसको भी टक्कर देने वाला है। दोस्तों इसके टायर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 155R13 के टायर्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में यहाँ पर आपको 2 टायर, रियर में 2 टायर और एक स्पेयर टायर यहाँ पर लगा के महिंद्रा आपको देगा। दोस्तों मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो 70 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैक्सिमम स्पीड भी देखने को मिलेगी। इसके कैबिन की बात करूं तो बहुत ही स्पेशियस कैबिन यहाँ पर लगा के दिया है, D+1, एक ड्राइवर के साथ एक को ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर महिंद्रा ने इसमें दी है। दोस्तों इसकी जो फ्यूल टैंक है, ये 30 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक, डीजल टैंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 23.61 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त माइलेज इसमें देखने को मिलेगा। अगर माइलेज के हिसाब से बात करूं तो बहुत जबरदस्त, इतना माइलेज शायद ही आपको किसी और पिकअप ट्रक में देखने को मिले। दोस्तों वारंटी की बात करूं तो 36 मंथ या फिर 80,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाएगा उसकी वारंटी यहाँ पर आपको महिंद्रा इसमें देगा। दोस्तों कलर्स की बात करूं तो जो ये पिकअप ट्रक है आपको 3 कलर्स में मिलेगा, व्हाइट कलर में, रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। इसके साथ साथ जो इसका इंटीरियर होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त इंटीरियर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर में आपको बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, और स्टीयरिंग वगैरह भी इसका बहुत ही आरामदायक देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कैबिन का जो आउटसाइड का लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा।
तो कुल मिला के महिंद्रा ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त आपको पिकअप बना के दे दिया है, जो सीधे सीधे टाटा के एस को और अशोक लेलैंड के दोस्तों को यहाँ पर सीधे सीधे टक्कर देने वाला है। अगर मैं बात करूँ कि ये पिकअप ट्रक अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इसका जो प्राइस रहेगा किस रेंज तक रहेगा, तो अभी तक तो ये मार्केट में जस्ट लॉन्च ही हुआ है, तो इसका जो प्राइस रेंज यहाँ पर रहेगा लगभग लगभग आपको ये 6 से 6.5 लाख रुपीज के एक्स शोरूम में मिल सकता है। मेरे हिसाब से जो इसका प्राइस रहेगा लगभग 6.61 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस हमको ये इंटरनेट पर दिखा रहा है, जो इसका ये प्राइस है ये एक्स शोरूम प्राइस इंटरनेट पर दिखा रहा है। अगर आप इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा नियरेस्ट महिंद्रा के शोरूम में, वहां से आपको इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पता चलेगा। दोस्तों जो भी हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी बेस्ड ऑन इंटरनेट सर्च की, अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो एक बार महिंद्रा के शोरूम में विजिट जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।